हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 बेस्ट एप्लीकेशंस के बारे में जो हर स्टूडेंट के मोबाइल में होने ही चाहिए। अगर ये एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में नहीं हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप इन्हें ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं तो आपके बहुत ही काम आएंगे। इन ऐप्स को मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है क्लास 10th हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की वीडियोस, और कुछ ही दिन में SST और कंप्यूटर की वीडियोस भी अपलोड होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो जैसा आप लोग को पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है या फिर रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा माइंड सुबह अच्छे से लर्न कर पाता है या फिर रात में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। तो कई लोग का कमेंट आया था कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो ये एप्लीकेशन है उन्हीं के लिए। इस ऐप का नाम है अलार्मी। ये बेस्ट अलार्म ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। इसको बहुत ही अच्छी रेटिंग भी मिली है और मैंने इस ऐप को कई सारे ऐप्स के साथ कंपेयर भी किया है, तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा। अगर आप इसमें अलार्म सेट कर देंगे तो ये सिर्फ आपको ही नहीं उठाएगा बल्कि आपके घर में जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे सबको उठा देगा, क्योंकि इस अलार्म ऐप का रिंगटोन बहुत ही तेज़ है जो आपको एकदम परेशान कर देगा। इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे एक फीचर है जो मैं यूज़ करता हूँ कि अगर आपको सुबह उठना है तो आप इसमें अलार्म सेट कर दीजिए, तो जब अलार्म बजेगा तो आपको उसे ऑफ़ करने के लिए मोबाइल को अपने शेक करना पड़ेगा। उसमें आप टाइमर लगा सकते हैं कि कितने बार आपको शेक करना है। मैं 30 बार का लगाया हूँ, आप 100 बार का लगा सकते हैं, 200 टाइम्स का लगा सकते हैं। तो जब आप मोबाइल को शेक करेंगे सुबह सुबह तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे और आप उठ भी जाएंगे। अगर आप कुंभकर्ण की तरह भी सोते होंगे तो ये आपको उठा देगा, क्योंकि इसका रिंगटोन इतना तेज है कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे, कान में पूरा चुभता है उसका रिंगटोन। तो अब आपके सुबह उठने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप आराम से सुबह उठ सकते हैं। और सुबह उठने के बाद अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया 6 मोटिवेशनल सॉन्ग्स के बारे में जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेंगे, आपका पढ़ने का मन भी करने लगेगा। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड एप्लीकेशन के बारे में। तो मान लीजिए आप सुबह उठ गए हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के आप मोटिवेट भी हो गए हैं, तो अब आपको पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है। तो एक ऐप है फोकस टू डू, उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ होता है। आप में से कई लोगों को पोमोडोरो टेक्निक के बारे में नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था पहले। तो मैंने YouTube पर सर्च किया व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक, तो आप भी YouTube पर सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है। तो इस ऐप का सबसे मेन फीचर और सबसे अच्छा फीचर यही है पोमोडोरो, जिसमें आप 25 मिनट का टाइमर सेट कर सकते हैं और उस 25 मिनट में आपको फोकस के साथ पढ़ना है, कहीं भी आपको हिलना नहीं है। मान लीजिए आप फोकस के साथ 15 मिनट तक पढ़े, उसके बाद आपका मन किया चलो मैं गेम खेल लेता हूँ या फिर चलो मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो आप इस ऐप को बंद जब कर देंगे तो जब आप इसे दोबारा खोलेंगे तो 25 मिनट का टाइमर दोबारा शुरू हो जाएगा। वो वहां से नहीं शुरू होगा जहां से आप बंद किए थे, तो आप रिग्रेट करेंगे no, God, please, no! कि क्यों मैं 25 मिनट तक फोकस के साथ नहीं पढ़ा। तो जब आप इस ऐप को कुछ दिन यूज कर लेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी देर तक पढ़ने की और फोकस के साथ पढ़ने की। फिर आप इस ऐप को चाहें तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड एप्लीकेशन के बारे में जो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आप लोग में से कई लोग मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते होंगे, तो अगर आप इस मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस ऐप का नाम है योर हावर। गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही अच्छी इसकी रेटिंग है और ये इंडियन ऐप है। तो इस ऐप में आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको कितना हावर या कितना मिनट मोबाइल चलाना है। तो जब हावर कंप्लीट होने वाला रहेगा या फिर वो एक एक घंटे में आपको रिमाइंड करता रहेगा कि भाई बस अब बहुत हो गया, आप बंद कर दो। Okay. ये एप्लीकेशन आपको वार्निंग देता रहेगा लेकिन साथ में एक ऑप्शन भी देगा कि 2 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर, मतलब कि 2 मिनट में और चला लूँ, 5 मिनट में और चला लूँ। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इस ऐप में एक और फीचर दिया हुआ है जो मुझे इस ऐप का सबसे बेस्ट फीचर लगा। वो फीचर ये है, इस ऐप को खोल के अपने पेरेंट्स को दे दीजिए
और जो ऐप आप लॉक करवाना चाहते हैं वो आप लॉक करवा सकते हैं। 4 डिजिट का पिन रहेगा, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स को पता रहेगा। फिर जब आपको लगे कि आपने 2 hours, 3 hours पढ़ लिया है तो आप अपने मोबाइल को पेरेंट्स के पास ले जाइए और सारे ऐप्स अनलॉक करवा लीजिए। तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी बेस्ट है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 4th ऐप के बारे में। ये ऐप आपके लिए काफी यूजफुल है और अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो ये आपका डाउट क्लियर कर देगा। इस ऐप का नाम है डाउटनेट। कई सारे यूट्यूबर्स ने भी इस ऐप के बारे में बताया है। अगर आपका कोई भी डाउट है NCERT में, RS अग्रवाल में, RD शर्मा जैसी बुक्स में, तो आप उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए और ये आपका डाउट क्लियर कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 5th यूजफुल ऐप के बारे में। इस ऐप का नाम है ब्रेनली। ये भी डाउटनेट के तरह ही है लेकिन इसमें आपको वीडियो नहीं मिलेगी, इसमें टेक्स्ट के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कोई ना कोई आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो ये ऐप भी काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 6th यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन को आप लोग में से कई सारे लोग यूज़ भी करते होंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है टेलीग्राम। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में कई सारे एजुकेटर्स ग्रुप बनाए हुए हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल का ग्रुप बना हुआ है जो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करते हैं और कई सारे स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम आप ज़रूर डाउनलोड करिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 7th यूजफुल एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का नाम है MyCBSE Guide। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये ऐप आपके मोबाइल में होना ही चाहिए, क्योंकि NCERT के PDF इसमें मिल जाएंगे, NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और कई सारे सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करिए, आपके बहुत ही काम आएगा। सो गाइज, मैंने आपको 7 एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इन 7 एप्लीकेशंस को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। अगर आपको कोई और ऐप भी पता है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है मुझको। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।